हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट डिश बनाने वाली हूँ। ये बच्चों से लेकर बड़ों को भी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल पनीर पकौड़े, और उसके साथ खाने के लिए डिफरेंट मसालों से चटनी भी बनाना बताऊंगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। ये डिश सच में आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल का नाम है इंडियन रेसिपीज विद सीमा। दोस्तों, इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर के पकोड़े बनाने के लिए 200 ग्राम बेसन का यूज किया है। इससे पकौड़े के लिए बेसन का घोल तैयार करेंगे। आपको जितनी बेसन की आवश्यकता हो उतना बेसन लें। बेसन को अच्छे से छानकर यूज करें ताकि बेसन में गुठलियां ना हो। सबसे पहले पकोड़े के लिए बेसन का घोल तैयार करके रखते हैं ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन को हाथ से इस तरीके से हल्का सा क्रश करके इसमें डालें ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए। आप इसे दरा दरा कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करें। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर का यूज करें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें। ज़्यादा हल्दी पाउडर का यूज ना करें आप, आवश्यकता अनुसार लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। 1 टीस्पून सौंफ का यूज करें। सौंफ को भी हाथ से इस तरीके से हल्का क्रश करके डालें ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए। सौंफ डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आवश्यकता अनुसार नमक का यूज करें। हरी धनिया को बारीक काट कर ऐड करें और हरी मिर्च को भी आवश्यकता अनुसार ऐड करें। इसे मिक्स कर लें और इसमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। एकदम से ज़्यादा पानी ऐड ना करें, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करें और इसका घोल तैयार करते जाएं। 2 से 3 मिनट इस तरीके से फेंटें ताकि बेसन हल्का हो जाए। और यदि आपके पास बारीक बेसन है तो उसी से पकौड़े बनाएं। बारीक बेसन से पकौड़े और अच्छे बनते हैं। इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें। तब तक हम पनीर तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, ये पनीर मैंने घर पर बनाया है। यदि आप भी घर पर बनाना चाहते हैं इस तरीके का पनीर, तो आप आई बटन पर क्लिक करें या आप मेरे वीडियोस पे जाकर देख सकते हैं। आपको पनीर का वीडियो आसानी से मिल जाएगा। पनीर को इस तरीके से काट लिया है। आप छोटा बड़ा जैसा काटना चाहते हैं वैसा काटें। मैंने कितना अच्छा पनीर घर पर बनाकर तैयार किया है, बिल्कुल स्पंजी लग रहा है। ऊपर से सभी में चाट मसाला डाल दें। अब इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर आवश्यकता अनुसार ऐड कर दें। ध्यान रखें, यदि आप चाट मसाला इसके ऊपर से डाल रहे हैं तो नमक बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि चाट मसाला में ऑलरेडी नमक रहता है। और यदि आपके पास जब चाट मसाला नहीं है तब आप इसमें नमक और मिर्ची इस तरीके से डाल सकते हैं। अब इन्हें पलटा दें ताकि पीछे साइड भी लग जाए ये मसाला। यदि पीछे साइड पूरी तरह से ये मसाला नहीं लगा है तो ऊपर से इनमें चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाल दें। चाट मसाला इसमें डालते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि अंदर तक ये एब्जॉर्ब कर ले पूरा मसाला। अब जब तक इसे रेस्ट के लिए छोड़ा है तो हम चटनी तैयार करते हैं। इसके लिए चटनी बनाने के लिए हरी धनिया का ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हरी धनिया का ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें। पुदीना की थोड़ी सी मात्रा लगती है। हरी मिर्च इसमें स्वाद अनुसार डालें। आलू भुजिया इसमें डालने से ये चटनी का स्वाद ही स्पेशल बनता है। इसमें फ्रेश दही का यूज़ करें। आप यदि दही नहीं डालना चाहते तो दही की जगह 1/2 टीस्पून नींबू का रस ऐड करें। काजू के पीस डाल दिया है, काजू की जगह आप भुनी हुई मूंगफली के दाने ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन इसमें डाल दें, यदि आप लहसुन नहीं खाते तो ना डालें। इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर दें। आवश्यकता अनुसार काला नमक डालें। काला नमक डालने से इस चटनी का स्वाद ही स्पेशल बनता है। यदि आपके पास काला नमक नहीं है तो सादा नमक से भी चटनी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसे पीसें। इसे पीस लिया है, इसे खोलकर देखते हैं पिसा कि नहीं। यदि अच्छे से नहीं पिसा, इसे चम्मच से चलाकर देखें। ये नहीं पिसा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करें। एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही इसे पानी डालें और इसको पीसें। इसे फिर से पीसेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी डिलीशियस चटनी दिख रही है।
ये बहुत ही अच्छी फाइन पिसी हुई है, इस तरीके से पीसे। अब इसे निकाल लेते हैं, जब तक हमारा बेसन भी फूल कर रेडी हो गया होगा। अब हम पकौड़े बनाते हैं। 15 से 20 मिनट में ये बेसन अच्छे से फूल कर रेडी है। अब इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालें। बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा का यूज ना करें, थोड़ा सा ही सोडा इसमें काम कर देता है। अब इसे हल्के हाथ से इसे मिक्स करें और इसे रखे नहीं रहने देना है, इससे हमको जल्दी पकौड़े बनाना। पकौड़े को डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में पर्याप्त ऑयल लें ताकि पकौड़े अच्छे से सिक जाएं। कढ़ाई को मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म होने दें। हल्का गर्म ऑयल हो गया है ये। 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल इस बेसन में ऐड कर दें। ऐसा करने से पकौड़े हमारे अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। ऑयल को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। ध्यान रखें, जब इस बेसन में सोडा डालते हैं तो सोडा को ज़्यादा फेंटना नहीं है और ना ही रेस्ट के लिए छोड़ना है। इसके जल्दी पकौड़े बनाकर तैयार करना है। इसकी थिकनेस इस तरीके की रखें आप। इतनी देर में पनीर में अंदर तक चाट मसाला अच्छे से अब्जॉर्व हो गया है। अब इस घोल के ऊपर जितने भी पनीर के पीस आ जाएं उतने डालें, एकदम से ज़्यादा पनीर के पीस इसमें ना लें। रिफाइंड ऑयल को चेक करने के लिए गर्म हुआ है कि नहीं, हल्का सा बेसन का घोल डालकर देखें। ये घोल ऊपर आ रहा है इस तरीके से, यानी कि कढ़ाई पर्याप्त गर्म है। इसमें पकौड़े बनाएंगे। इस तरीके से बेसन को पनीर में लपेटें और ऑयल में छोड़ दें। इस तरीके से आप सारे पकौड़े बनाएं। इन सभी पकौड़ों को बनाकर तैयार कर लें। इस तरीके से बेसन के घोल में पनीर के पीस डालें और बनाते जाएं। गैस का फ्लेम स्लो पे रखें, तेज में ना करें, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर नहीं पक पाएंगे। ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से डीप फ्राई होकर रेडी हो जाते हैं। इस तरीके से इन्हें निकाल लें। ये स्पेशल पनीर पकौड़े और चटनी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए मेरा वीडियो, और मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।